चुके पर्यटन पर भी पड़ा है। मिस्र जाने वाले सैलानी अपना कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। गीजा के पिरामिड और म्यूजियम्स को सैलानियों के लिए बंद किया जा चुका है। अब मिस्र में फंसे सैलानियों को निकालने का काम जारी है। अब सैलानियों के मोहताज हो गए हैं मिस्र के ये पिरामिड। नील नदी पर चलने वाले क्रूज पर भी आंदोलन का साया पड़ गया है। भारत समेत दुनिया भर के सैलानी अपने मिस्र के टूर को कैंसिल कर रहे हैं। दिल्ली की हरप्रीत कौर भी मिस्र में अपनी छुट्टियां प्लान कर चुकी थी, पर अब आंदोलन के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। बिल्कुल भी ऐसा तो लग नहीं रहा कि वहाँ ठीक हो जाएगा, बल्कि आपने देखा होगा कि सुना होगा कि स्पेशल प्लेन जा चार्टर प्लेन जा रहे हैं यहाँ से, जो इंडियन रेजिडेंट है उनको वापस लाने के लिए। तो मैं हॉलिडे पे तो ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती जहाँ पे वैसे ही जो लोग हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। मिस्र में पिरामिड, पुरानी संस्कृति की झलक दिखाते म्यूजियम, नील नदी पर क्रूज और मीना बाजार, ये वो चीजें हैं जो सैलानियों को आकर्षित करती रही हैं। पर अब इन तमाम जगहों पर बंदूकों का साया है और इस वजह से भारत से सैलानियों की बुकिंग तेजी से कैंसिल हो रही है। जहां तक कैंसिलेशन की बात है, सिवाय जो आदमी बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहा है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, उनके अलावा जो लेजर ट्रैवलर्स थे वो 90% बल्कि अब 99% लोगों ने या तो पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया है। हाल के दिनों में भारतीय हनीमून कपल्स के लिए मिस्र एक खूबसूरत डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर हो रहा था। काहिरा, लग्जर और अलेक्जेंड्रिया सैलानियों की मनपसंद जगहों में शुमार थे, लेकिन अब हर जगह से टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। मिस्र से भारत में अब तक 500 से ज्यादा लोग वापस लौट चुके हैं। हालात तो खराब थे, हम लोग भी वहाँ 3 दिन के लिए गए बट होटल से बाहर नहीं निकल पाए। सिचुएशन बाहर का बहुत ही खराब था, कहीं पे वो आग वाग वो बिल्डिंग वगैरह में लगा रहे थे एंड सारे प्रोटेस्टर्स रोड पे थे। हम लोग फिर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी जाने में भी फंस गए और 5-6 साल हम लोग एयरपोर्ट पे थे एंड आने में भी 12 आवर्स। अमेरिका और दूसरे देशों में फंसे सैलानियों को भी वापस लाया जा रहा है। Well, yeah, I mean, we hear gunfire all the time, and we saw looters or people that we assumed were looters. And yeah, I was all the police left the streets. Really difficult. I went to the airport 2 days in a row, trying to get to my flight, and lots of people in the airport trying to get out of the country. But, you know, some people, they managed to get out. ये आंदोलन फिलहाल तो मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। कहा जाता है कि मिस्र में हर 8 में से एक शख्स को सिर्फ पर्यटन की वजह से ही रोजगार मिला हुआ है। साल 2009 में 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी मिस्र पहुंचे थे, जिसकी वजह से 50,000 करोड़ का राजस्व आया था, लेकिन फिलहाल तो इस पर ब्रेक लग गया है। सैलानी जाने को तैयार नहीं है और जो है वो वापस लौट रहे हैं।